शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम अपनी मौत का दोषी न लाला जी को, न ऋचा को, न यश जी को और न ही आपको बनने देंगे गोपाल। हमारी मौत का फैसला भी हमारा होगा और जिम्मेदारी भी, सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी। हमारी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए, हमारे गोपाल को भी नहीं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से अपनी मौत को खुद गले लगाएंगे, जैसे ऋषि मुनि अपना शरीर त्यागने के लिए अन्न जल त्याग देते थे, वैसे ही आज से हम भी अन्न जल का त्याग करके अपनी मृत्यु का स्वागत करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमें कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और जब तक हम ये नहीं कर लेते तब तक अपनी सांसों की डोर टूटने नहीं देंगे। जिस अंजलि को तू अपनी बहन से भी ज्यादा मानती है ना, उस अंजलि की वजह से मेरा अपमान हुआ है और उस अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इस जन्म में मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें अंजलि का क्या कसूर है मम्मी? आपको अपने मान अपमान की पड़ी है, पर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं हमेशा खुश रहूं। सिर्फ इसीलिए अंजलि मर रही है। ऋचा तू बस मम्मी, अब मैं अंजलि के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। ऋचा तू बहुत भोली है, तुझे अंजलि की भोली सूरत के पीछे की सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। गर्ग परिवार का पैसा, प्रॉपर्टी और यश जैसा लड़का सबके नसीब में नहीं होता। और फिर अंजलि भी तो इंसान ही है, क्या पता वो सपने देखने लग गई हो कि अगर वो बच गई तो हमेशा के लिए यश और उसका परिवार उसका हो जाएगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए मम्मी, मुझे आपकी नेगेटिव बातें नहीं सुननी है। ऋचा यश जी,
हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? एक क्यों? तुम्हें जितने सवाल पूछने हैं तुम पूछ सकती हो। तो बताइए, हम अभी भी आपकी पत्नी हैं ना? तुझे पता नहीं तू 90 दिन के लिए यश की पत्नी बनी है? लेकिन अभी 90 दिन पूरे तो नहीं हुए हैं ना बड़ी दादी? नब्बे दिन पूरे होने तक हम आपकी पत्नी है ना यश जी? बिल्कुल हो। इन सब ने मिलकर इतने विधि विधान से हम दोनों की शादी कराई। तो हम दोनों पति पत्नी ही तो है। और एक पति का धर्म बनता है ना कि वो अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करे। अंजलि, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज ये आखिरी इच्छा वाली बात मत किया करो। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है हमारी, बस इस छोटे से बॉक्स में अपनी सारी छोटी छोटी इच्छाएं लिख दी हैं हमने। आप इसमें से एक पर्ची निकालिए और पढ़िए। हम अपने ससुराल और मायके वालों के साथ मिलकर होली खेलना चाहते हैं। वो भी एक साथ एक ही जगह। लो, बिन मौसम बरसात की बातें कर रही है। क्या तुम्हें पता नहीं होली में अभी कई महीने बाकी हैं? और तू तो अभी कुछ ही दिन। वैसे भी कल जिस तरह से अलका ने बर्ताव किया था उसके बाद उनका और हमारा साथ होना मुश्किल है। कैसी बातें कर रही हैं बड़ी दादी? जिस लड़की ने इस परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं करूंगा अंजलि की सारी इच्छाएं पूरी और आप सबको उसमें मेरा साथ देना होगा। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।